बता तो तो से से दो की आप लोग बदला ले तैयार हो या नहीं क्यूँके लास्ट एपिसोड जिस बंदे ने देखा लास्ट एपिसोड जिस बंदे ने देखा है जरूर याद होगा की हमें हम लेंस का कॉल आया था और लेंस से हमें बोला था भाई साहब चेरी मार्टीनज अपने प्रोडक्शन से बाहर आ चुका है और अब वो हमें ढूंढ रहा है फिलहाल अब भी लास्ट एपिसोड में हम लोग रिकार्डो डी एस से मिलने आए थे तो हम लोग मिल चुके हैं और उसके लिए हमने गोंजालस से ड्रग चुराया था गोंजायलिस की जो ड्रग शिपमेंट थी उसको हमने चुराया था बाय द वे फिल कॉलेज के ऊपर जो लास्ट एपिसोड में हमला हुआ था वो गंजालेस ने नहीं बल्कि जो स्टेडियम के ऊपर हिटमैन आए थे असतन जो हिटमैन को फिल कॉलिज को मारने आए थे उसका कॉन्सर्ट खराब करने आए थे भाई उन बंदों को फॉर रैली क्राइम फैमिली ने नहीं जाता ना कि ने गंदालिद हाँ यह है कॉलेज को मरवाना चाहता था पर उन आदमियों को गालिज ने नहीं एली क्राइम फैमिली ने भेजा था अगर आप लोगों को यार पिछला एपिसोड देखना है या उससे भी पिछला एपिसोड देखना है तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक पे ना जाके फटाफट से वो देख कर आओ उसके बाद ये वाले देखना तो अपनी फटाफट से बात करते हैं रिकार्डो टीएस से तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना पहले करना जरूर दबा देना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक कर दो कमेंट्स में अपने फेवरेट गेम्स के नाम जरूर से बता देना क्योंकि भाई आप लोग मुझे सजेस्ट कर दो अपने फेवरेट गेम्स के नाम अगर आप लोगों ने नई सजेस्ट किया यार कोई बात नहीं इस हार्ड नहीं हूँ मैं कर दूंगा और और कर दूंगा कोई मसला नहीं है, कोई और गेम बना दूंगा वो मसला नहीं है तो बिना किसी इंतजार के फटाफट से स्टार्ट करते हैं लेट्स किक ऑफ तो भाई और बहनों फिलहाल मैं ये अभी रिकार्डोडीए से बात पूछ है वो कह रहा है कि उसने एक डील सेट करी है डी ई के साथ और उस डील का मकसद ये है भाई कि हम उसको ये 200 सौ के लोग देंगे डी ई को और पतले में वो हमें बहुत तगड़ी तगड़ी गंद देगी तो इस वैन के अंदर मौजूद है वो दो सौ के लोग को कहन पेयर उसको हम लेकर चलते हैं फटावत मीटिंग बन भाई जहाँ पर हमारी डी लोग डी ए से भाई हमने साथ में सामने वाली गाड़ी जो है ये भी बुला रखी है चार बंदेस में भी है लेकिन इनके पास कोई हथियार हथियार नहीं देते है। भाई डील होने वाली अगर खड्डा वड्डा हो गया तो कोई ओ भाई साहब खड्डा हो गया मैंने बोला था कोई ना कोई हमला होगा खड्ढा तो होगा भाई डील होती है ड्रग की कोई ड्रग की डील आसानी से होती नहीं रॉन्चर से मारते हैं लोग काम दवा कर भाई सबको मैंने यहां पर मार दिया है और अब देखते हैं क्या सीन है भाई भाई यहाँ पर मुझे लग रहा है डी e. आ चुकी है बहुत मुश्किल से मारा वो बंदा छुपा हुआ था गाइस उसको मैंने मारा बहुत मुश्किल से मारा है बॉम फेंक के मारा मैंने लॉन्चर या गन तो लग नहीं थी भाई यहाँ पर डी e. के बंदे आ गए हैं फुल टकड़ी तकड़ी बन गई इसके पास और एक ही ट्रक लेकर आए भाई अब वो का है एजेंट्स का है भाई वो तो सब यहाँ से चले गए लेकिन गंजायलिस को हम नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उसने फिर से भाई हमसे पंगा लिया है और गन अपनी एक के हाथ में रखते हैं क्योंकि हम। तो हमने लिया मत सटन और यहाँ हम लोग पहुँचने वाले हैं पास और यहाँ पर हमने और भाई साहब यहाँ पर हमने पार्क कर दी ड्राइवर ने तो गराज गुजरेगी गराज में वहां गई हमें छुपानी है ना बहुत अच्छा अंदर गन गई थी था, वो गेट बंद होगा ना अब नींद गैर राज में हमने खड़ी गन दी है फाइनली हमारा मिशन हो चुका है पास और बड़े बड़े से रियस से दोबारा बात करने चलते हैं उसका बात करने का मूड है या नहीं फिलहाल हमारा बीपर बजा है देखते हैं बीपर में क्या मैसेज है गोन सेलिस ने बोला है विक माय ओल्ड फ्रेंड आई वुड अप्रिशिएट प्लीज जी क्यों मना रहा है भाई डी क्यों नहीं मना रहा जी क्यों मना रहा है कहीं गुंजायलिस तो यहाँ पर नहीं आ गया रिकार्डो डीएस के पास मेंशन के अंदर तो देखते हैं फटाफट से इससे बात करते हैं भाई लोग तो गाइस अब भी ना फिलहाल मेरी रिकॉर्डो डी से बात हो चुकी है और उसने गंजायलिस का ट्रक ट्रक गायलिस को वापस दे दिया है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो ड्राइव हो रहा है और हमें उसको डिफेंड करना है बंदों से और रिकार्डो डी एस ने उसको बख्श दिया है और बोला है कि भाई अब तुम देखोगे कि रिकार्डो डी एस का एनिमी होना या रिकार्डो डी एस का दोस्त होना कैसा होता है क्योंकि अब रिकार्डो डी एस उसको मदद कर रहा है और उसको गन्स का थोड़ा सा हिस्सा दे दिया है रिकार्डो डी एस ने और कहा है कि अब दफ़ा हो जाओ बिल्कुल मेरी ज़िंदगी से और मुझे दोबारा तंग मत करना भाई मतलब यहाँ पर बहुत सारी साड़ियाँ आ चुकी हैं गोन्दलिश को मारने के लिए गोंदालिश की ट्रक भाई वो एयरपोर्ट जा रहा है बेसिकली यहाँ पर सारी ट्रक्स आ गई हैं शुक्र है सारी पीछे से आ रही है गाइफ मेरा हेलीकॉप्टर तरफ नहीं है ना थोड़ा सा थो। मेरा एम थोड़ा सा मिस टाइम हो रहा है भाई एज ए स्टॉल प्रोटेक्ट रोड ब्लॉक यहाँ पर रोड ब्लॉक हुआ यहां पर ये भाई सारे बंदे मैंने मार दिए हैं यहाँ पर और आराम से आ रहा है अब मैप में देखते रहते हैं कि और कोई बंदा तो नहीं आ रहा भाई यहाँ पर आ एक अबे ट्रक है ना वो सामने तो से कोई बंदा आ रहा है ये पीछे से ये बंदे हैं नहीं बंदे आ रहे हैं भाई यहां पर पूर पूरी पूरी गाड़ियां आ रही हैं पूरे पूरे बंदे आ रहे हैं यहाँ पर ये देखो देख रहे हो आप लोग गाइस फाइनली वो एयरपोर्ट पहुंचने वाला है बस और कोई ना आए क्योंकि उसकी हेल्थ ट्रक की बिल्कुल जीरो है भाई बिल्कुल ही जीरो गाइस बिल्कुल थोड़ी सी हेल्थ बची थी और भाई वो पहुंच गया है आराम से और यहाँ पर गोंजालिस के बंदे जो हैं वो खड़े हुए थे ट्रक्स लगा के कि और कोई आएगा तो उसको भी काम कर लेंगे लेकिन मेन काम तो भाई हम लोगों ने किया पूरे रास्ते उसकी प्रोटेक्शन करते हुए हम लोग गिस्ट प्रोटेक्टिंग द एयरपोर्ट एंट्रेंस ओ भाई एयरपोर्ट की एंट्रेंस की अब हमें प्रोटेक्ट करनी है भाई ताकि एयरपोर्ट के एंट्रेंस ना हो जाए बड़ी एस यू वी कार है तो शाख साफ एंट्री थी एयरपोर्ट कोई एयरपोर्ट के अंदर एंटर हो चुके हो हमें फ़िलहाल तो गंदालस को बचा लिया है लेकिन ये है कौन भाई साहब एयरपोर्ट के अंदर ही दाखिल हो गए लोग एंट्रेंस तो ब्लॉक करी थी लेकिन ये पीछे वाली एंट्रेंस है एंटर हो चुके हैं और ये लोग बिल्कुल एक प्लेन के पीछे हैं डिफेंक गस प्लेन भाई मुझे शायद अपना वो घुमाना पड़ेगा भाई साहब ये किधर है का उड़ चुका है गाइस हेलीकॉप्टर की सिचुएशन ऐसी नहीं थी जगह ऐसी नहीं थी कि मैं आसानी से एम कर पाऊँ हेलीकॉप्टर भाई साहब थैंक यू हेलीकॉप्टर वाले तो गाइस फाइनली वाला मिशन पास हो चुका है और हमने द मिनी इज नाउ इन स्टॉक एट एमोनेशन इन पॉइंट ओके भाई थैंक यू थैंक भाई मिनी गन के वाइस पॉइंट में आ चुकी है हम खरीदना चाहें तो खरीद लें लेकिन अभी मिनी गन की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी ए के बॉडीज है हमारी साथी है बहुत ही तगड़ी चल रही है भाई फाइनली हमने गोंजायलिस को यहाँ से निकाल दिया हालांकि गोन्जायलिस ने डी के बंदों पर हमला किया उसको मारने की कोशिश की उसकी डील कैंसिल करने की कोशिश की फिर भी बी ने उसके साथ दोस्ती का फर्ज अदा किया और उसने बोला कि भाई अब तुम देखोगे कि मेरा दुश्मन होना कैसा होता है और दोस्त होना कैसा होता है पहले तुम मेरे दुश्मन थे तो तुम्हारे बंदे मरे अब तुम मेरे दोस्त हो तो देखो मैंने तुम्हारी मदद की और तुम्हें प्रोटेक्शन भी दी और सेफली वाइट सिटी से बाहर निकाल दिया तुम्हें तुम्हारी गन्स के साथ और तुम्हें प्रॉफिट भी दिया तो अभी फिलहाल पड़ावत से हमारे पास लेंस की कॉल आई थी तो लेंस के पास पड़ावत से चलते हैं बिना किसी देरी के तो भाई और बहनों हम ही हम लोग फिलहाल पहुंच चुके हैं अभी भाई लेंस के उस वाले घर पे जो लेंस और विक्टर ने मिलकर खरीदा था वही वाला घर भाई जिस को हमने ख़रीदा था बैंक रॉबरी करने और ड्रग रॉबरी बैंक रॉबरी ड्रग रॉबरी करने के बाद वहां पर हम लोग आ चुके हैं फटाफट से लेंस से बात कर लेते हैं कि क्या सीन है तो भाई सीन ये है कि लेंस ने हमें बताया कि पाइकर बॉयज़ पाइकर गैंग के जो बॉयज़ हैं भाई वो लोग हमारा स्टैच चुरा रहे हैं और अब भी हम लोग जा रहे हैं उन लोगों को मारने के लिए मैं लेंस को हेलीकॉप्टर में लेके जाऊंगा और लेंस अपनी वेपन से फायर करेगा और उन सब की इंतजिया उड़ाएगा भाई यहाँ पर बैलेंस और डैमेज आ रहा है डैमेज तो हेलीकॉप्टर की डैमेज है बैलेंस ये है गाइज के लेंस एल स्टॉप फायरिंग इफ ही लोजेज इफ बैलेंस यस गाइज हमें बैलेंस बना के रखना है वो गिरेगा तो नहीं लेकिन वो फायरिंग छोड़ देगा उन लोगों को मारना छोड़ेगा क्योंकि उसको रेंज नहीं मिल रही होगी बाइक गोलियों की रेंज नहीं आ रही होगी उसको नजर नहीं आ रहा होगा तो अगर बैलेंस हम लोग फुल रखेंगे तो उसकी एमिंग अच्छी होगी एमिंग अच्छी होगी तो जल्दी बंदे मारेंगे और हेलीकॉप्टर को हमें बिल्कुल ध्यान से चलाना है ज़्यादा नीचे भी नहीं लेके जाना और ना ज़्यादा ऊपर लेके जाना है ज़्यादा नीचे लेके गए तो बाइकर बॉयज़ हमला करेंगे और हेलीकॉप्टर की डैमेज बढ़ती जाएगी और हेलीकॉप्टर फिर ब्लास्ट हो जाएगा और ज़्यादा ऊपर भी नहीं लेके जाना वरना लेंस का बैलेंस ख़राब होगा लेंस का बैलेंस तो नहीं है लेकिन लेंस को एम नहीं मिलेगा और ज़्यादा हेलीकॉप्टर को हिलाना भी नहीं है वरना इसका बैलेंस ख़राब हो जाएगा वो रहेगा इस बाइकर बॉयज़ मैंने देख लिया मैं यहीं पर ही रखता हूँ हेलीकॉप्टर को यहां से एकदम लेंस मत सा फायर करते रहे मुझे लग रहा है इसने मार दिया किसी को बंदा बचा जो कि जा रहा है सामने से होटल तो गाइस होटल पे और बहुत से बाइकर बॉयज हैं वहां पर उनको टपकाना है ये वाले कर बॉयज को तो हमने मार दिया जो कि पाँच थे सिर्फ अब भी हमें दूर जाना है थोड़ा होटल थे वहाँ पर और बाइकर बॉयज बैठे हैं भाई तो, तो फटाफट से चलते हैं भाई तो भाई और और शायद से हम लोग पहुंच चुके हैं भाई यहाँ पर और फटाफट से चलते हैं इसको मारते हैं हेलीकॉप्टर को नीचे लेके जाते हैं और ध्यान रहे भाई इसमें ये जो रेड कलर का टावर खड़ा होता इसमें भी लग सकता है क्रेन है जो बेसिकली भाई यहाँ पर दो बंदे हैं भाई इन दो को लेंस लेंस से लग रहा है आसानी मार देगा तो ओ भाई साहब अब असल यही मुझे, मुझे मजा आता है हेलीकॉप्टर में लेंस चला रहे हैं। मुझे मजा नहीं आ रहा था हम हेलीकॉप्टर चला रहे हैं लेंस बंदूकों से ला रहा है इस चीज में गाइस बिल्कुल मुझे मजा नहीं आता इसलिए अब मैं जाने वाला हूं ऊपर की तरफ वहां पर लेंस है लेकिन यहां से अंदर कैसे जाएंगे गाइस आगे जाने का कोई रास्ता ये नहीं सामने से जाना है मेरे ख़्याल से मुझे शायद से सामने से जाएंगे हम लोग पीछे से जाने वाले नहीं पीछे भी रास्ता नहीं है शायद हमें आगे की तरफ से जाना पड़ेगा फ्रंट साइड से वो भी बंद दिख रहा है मुझे शायद से बंद होगा वो भी होटल की फ्रंट साइड से ही हमें जाना पड़ेगा वो रहे बाइक वॉइस हमें आराम से जाना पड़ेगा बिल्कुल और इस वाले पे एम हमारा लग जाएगा नहीं लगेगा ये वाले को हमने डबका दिया शायद उधर भी कोई है नहीं उधर कोई नहीं है इस तरफ में देख लेते हैं हम लोग फटाफट से बो रहे भाई मुझे आइडिया है यहां पर हम लोग अपनी आरपीजी जी से ना इन सबको मार देते हैं फट गया लेकिन लेंस ना मर जाए लेंस यहाँ पर होगा तो नहीं गाइज अब स्नैपर का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जितना सेफली खेलेंगे उतना ज्यादा अच्छा है जूम कर लिया हमने स्नैपर यहां पर और पीछे की तरफ में दो बंदे खड़े हुए हैं उसके आगे एक लकड़ी का बैरियर आ रहा है तो उस पर मेरा स्नैपर जो है वो काम नहीं करेगी हम जा दे रहेगा पीछे मारते हैं दो बंदे मर चुके हैं और ऊपर भी मुझे शायद बंदे नजर आ रहे हैं गाइज ऊपर की तरफ में भी बंदे हैं और अब अच्छे ले, ले लेते हैं अपनी एक के सेवन ऊपर की तरफ से कोई गोलियां चला रहा है इसको स्नैपर से फोक डालते हैं ऊपर की तरफ नहीं वो इस रहा है स्नैपर शीशे के थ्रू पार मई गाइस हेड शॉट पड़ा है इसको उधर ऊपर की तरफ कोई नहीं है उधर ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ तो गाइस कोई ही है वन रहा उनको टपका डालता है लेकिन अभी मुझे लग रहा है होटेल के अंदर है ये है तो अभी फटाफट से अपनी असॉल्ट राइफल लेते हैं इसको तो एनटी फोर्टी सेवन बोल रहा था लेकिन इसका इस गेम में नाम असॉल्ट राइफल है उधर सीढ़ियाँ नजर आ रही हैं मुझे शायद ये सीढ़ियाँ तो नहीं बल्कि ये लकड़ी का वो बनाया हुआ है उससे ही हमें ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है अभी तो बन रही है ये फ़िलहाल अभी तो उसमें हमें देखना पड़ेगा भाई साहब भाई साहब भाई इधर तो लड़कियां नहीं हैं लड़कियां लड़ने आई हैं क्या भाई इधर आग वाग भी लगी है फुल तगड़ी करके द बाइकर पकड़ रखा था हम लोग फटाफटे चलते हैं तू टूका मांग रही है इसको भी मार देते हैं गाइस नहीं इसको मारने नहीं पाया छोड़ दो लेंस हमें मिल चुका है गाइस और ये बाइक लेकर आ चुका है गाइस बाइकर गैंग के जो बंदे हैं बाइकर बॉयज वो बहुत ज्यादा मोटे हैं और छबी छबी से हैं तो उनके ऊपर ये गिरा था तो ये इसकी जान मिल गई ओ भाई साहब हमें तो लेके जाता हमें कौन लेके जाएगा भाई I don't even know why I bother sometimes. ओ भाई साहब फाइनल पास हो चुका है लैंड को यहाँ बाइकर बॉय से बचा लिया है और बड़ा तगड़ा बनना था ना कि मैं लड़ूंगा मैं लड़ूंगा मैं लड़ूंगा तो भाई वो लड़ नहीं पाया बिल्कुल भी अब भी मैसेज आया ने हमें आवर प्रोडक्ट इज स्टिल गोइंग मिसिंग डोंट डैश विद दिस सिचुएशन भाई साहब भी फटावध सिंह की बाइक पकड़ते हैं और वहीं से छान लगाते हैं जहाँ से उन्होंने छलांग थी और हम लोग लेंस के उससे निकलते हैं भाई लेंस ने हमें दोबारा बुला लिया है से चलते हैं हम लोग लेंस के पास ओ भाई साहब ये बाइक तो बिल्कुल ही ख़राब चल रही है तो फटाफट से लेंस के पास चलते हैं बिना किसी देरी के तो भाई और बहनों हम लोग फिलहाल अभी पहुंच चुके हैं लेंस के घर पर और ये देखो भाई बाइक और से चुराई हुई बाइक है यहाँ पर खड़ी रखती है इसने अपने गैराज में पर्सनल बाइक बना ली है फिलहाल अभी लोग हम लोग पीछे की तरफ चलते हैं भाई और लेंस से बात करके देखते हैं कि भाई क्या सीन है आगे का क्या हमें मार्टिन से मिलना है या नहीं मिलना जैरी मार्टिन से वाइट लाइट्स भाई यहां पर ये डांस कर रहा है इसको फॉलो यार अभी करना क्या ये देख भाई लेंस कहीं भाग रहा है कम बैक हेयर आर ऑलवेज टेलिंग मी वॉट टू डू बट इफ इट वॉज नॉट फॉर मी we would not have any of this. तो विक्टर गुस्सा हो चुका है आई टेक विल मुझे समझ आ गया यहाँ पर विक्टर गुस्सा हो चुका है कि सारा कोक तुम खुद ही पेज बाज के खा रहे हो और मुझे एक पैसा भी नहीं दे रहे हो और मुझसे सारे काम करवा रहे हो तो लेंस यहाँ पर भाग रहे हैं गेट इन वो क्राफ्ट भाई लेंस वहां पर हेलीकॉप्टर की आवाज़ आ रही है लेंथ हेलीकॉप्टर में कोक लेके भाग रहा है कह रहा है कि मेरा नहीं होगा तो किसी का भी नहीं होगा मैं इसको फेंक डालूँगा अभी फिलहाल फटाफट से शोवर क्राफ्ट के अंदर बैठते हैं और भाई वो फेंके जा रहा है पैकेजेस पानी में लेके चलते हैं इसको फटाफट से अरे भाई साहब ये पैकेजेस क्यों गायब हो रहे हैं मैंने एकता गेज कलेक्ट कर लिया है और दूसरा कलेक्ट करने के लिए मैं और तीसरा भाई ऊपर की तरफ में है जैसे बादल समझा बेटा एक दिन तो मौत तो होगी मेरे हाथों ही मरेगा बेटा तू इस लायक ही नहीं है कि तो जब भाई बुलाऊं भाई भाई ये विक्टर के भाई बनने के काबिल नहीं, नहीं है क्योंकि इसकी हरकत ही ये सीनगा पहले एक तो हमसे काम करवाता है उसके बाद बोलता है भाई ये कोई भी पैकेजेस हमें नहीं देगा यहाँ पर एक बाइक भी खरीब है लेकिन बाइक को नहीं लेना मुझे अभी पैकेजेस कलेक्ट करने ओवरक्राफ्ट में ओवरक्राफ नहीं। क्योंकि ओवरक्राफ्ट वो ही ऐसी गाड़ी अब व्हीकल है।, है जो कि अब है यार जो कि पानी में भी चलती है और ज़मीन पे भी चलती है भाई वो जा रहा है वो जा रहा है वो जा रहा है इसे तो पता नहीं वो क्या रहा है जब भी ये जमीन पे आती है तो गेम अजीब से हरकतें करना शुरू कर देता है और ये लास्ट पैक इसका मैंने सारे कंपनी कर लिए न्यू परचेजल आइटम अवेलेबल एट दिल सूट भाई कपड़े वपड़े आए नए थे तो अभी तगड़े से कपड़े खरीदने चलते हैं पहले तो कहाँ पर आए ये तो नहीं पता फिलहाल पर वजह यहाँ पर और मैं सोवर ग्राफ में तो नहीं जाने वाला किसी का मैसेज आया विक आई एम इन टाउन हाउ that lady of yours, think I might pay her a visit. विजिट भाई मार्टिनेस का मैसेज आया हमें और उससे बोला है कि तुम्हारी गर्ल कैसी है यानी लुईस कैसी है भाई उसके घर पे एक विजिट लेगा भाई उसके घर पे विजिट करने वाला है वो मुझे कुछ अच्छे सही लग रहे हैं मुझे लग रहा है लुईस को किडनेप करने वाला है या लुईस को मारने वाला है या yeah, उसको एज अ ट्रैप यूज़ करेगा हमें अपने पास बुलाने के लिए फ़िलहाल अब भी फड़ोवत से लेंस दोबारा से बुला रहा है लेंस की तो खड़िया खड़ी हो गई भाई ये बहुत बदतमीज़ हो गया है इसकी हमने प्रोटेक्शन करी इतनी ये ज़रा भी पैसे देने को तैयार नहीं है हमें ख्वार कराता है हमें पूरे वाइट सिटी के अंदर ख्वार कराया इसने इसको तो अभी बताते हैं गाइस फड़ावत से चलते हैं भाई इसके घर पर फिलहाल गाइस व अभी लेंस के घर पर पहुँच चुका हूँ और फेयर इट हर्ट्स मोर्स्ट मुझे इसका मतलब समझ में आ चुका है मुझे लग रहा है लूइस को मार्टीने से पकड़ लिया क्योंकि मैसेज आया था कि तुम्हारी लुइस के घर पे एक विजिट तो मारूंगा मैं oh, no, no, no. तो तो सबको बर्गरबार देखा हुआ है फिलहाल अभी बाइक पे चले हैं इस गाड़ी में चलते इस गाड़ी में चलते हैं क्योंकि बाइक तो बहुत ज्यादा स्लिपरी होती है बाइक और की और ये इसको चलाना है ना भाई उन लोगों को अच्छे तरीके से आता है फिलहाल तो अभी किंग नट्स बार पे जाना है हमें किंग बर्गर नट्स है किंग नट्स बार है वहां पर हमें जाना है फटाफट से तो मैंने नाम पहले सुना हुआ है लेकिन हम भी तो फिलहाल वहां चलते हैं किंग नट्स बार पे गाइस क्या बोला था नाम सुना सुना लग रहा है क्योंकि यहाँ पर अभी एक दफा सिंह को लेकर आए थे और उसकी टॉल डिफेंड करेगी लुइस तो भाई यहाँ पर शायद लुइस ने बोला है ओ भाई साहब विक हेल्प उसको बंदे पकड़ के ले गए यकीन ये जेरी मार्टिनस के बंदे होंगे ओ मार्टीनस ने उसको पकड़ लिया Martinez का मैसेज आया था कि उसको एक विजिट देंगे आवारे, आवारे, आवारे। <laughs> ओ भाई साहब तू तो विक्टर उसको लात मारने लग गया अब से चलते हैं भाई लुइस को ढूंढने के लिए एंजा होगा और कुछ ही नहीं होगा अभी फिलहाल लुइस को दूसरी कार की तरफ चेक करते हैं फिर दूसरी कार में वो है या नहीं है पहले भी तीसरी वाली कार पे चलते हैं वो वाली कार तो पीछे की तरफ भी उसको मैंने छोड़ दिया तीसरी वाली कार पर आ चुका हूँ मैं तीसरी वाली कार यहीं पर ही है इधर शायद मुझे लुइस मिल जाएगी ये सबसे दूर थी तो इसलिए मैं इधर फटाफट से आ गया मैंने बोला शायद लुइस ही होगी गाइस गेम पर भी चला रहे हैं जो जहाँ दूर होती जगह वहीं पर ही आते हैं लेकिन लुइस मुझे लग रहा है यहाँ पर भी नहीं है लुइस की कार में दिख रही है मुझे नजर आ गई है गाइस कोई तो बैठा दिख रहा है देखते हैं यहाँ पर तो नहीं है लुइस मिल गई गाई गाइस मुझे यू फाइंड लुइस कैट इन द कार गाइस मुझे पता था क्योंकि सबसे दूर कार यही खड़ी थी और मुझे लग रहा था कि मुझे इस तरफ जाना चाहिए या इसके मरने से पहले इसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा वो भी तो अरे चीन में यही होता है तो सारे दिमाग में हॉस्पिटल तो करीब नहीं था मुझे लगा बहुत दूर होगा लेकिन करीब ही भाई हॉस्पिटल और यहाँ पर हमने हॉस्पिटल उतार दिया नहीं समझ सब लोग भाई वहाँ पर कुछ लोग खड़े थे हमने उसको बुला दिया बल्कि एक बंदा खड़ा था हॉस्पिटल का उसी को बुलाया हमने गैडर डॉक्टर तो भाई डॉक्टर को हमने बुला लिया है और अब क्या है देखते हैं भाई लेंस का कॉल वॉल आएगा हमें यहाँ किसी का कॉल आएगा बच चुका है गाइस मुझे लगता है मार्टीनस का हुआ आ चुका है मार्टीनस ने मैसेज भेजा लुइस बॉस रियल स्वीट टू मी मैन टेन हर आई विल सी आर अगेन रियल इसका मैसेज आ चुका है इसको तो हम नहीं छोड़ने वाले फिलहाल अब भी किधर जाना है अभी भाई हम थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट करने चलते हैं कोई एक और भी पर बच चुका है पहले कपड़े चेंज करने चलते हैं इट इज टाइम वी टॉप कम एंड सी आस भाई मेंडेस ने बुला लिया है फटाफट से चलते हैं मेंडेस के पास मेंडेस ब्रादर्स के पास डीए मेंडेस एंड अलवार

ज़िंदगी में पुलिस को लगाया डी ए को लगाया और सबको लगाया गाइस यहाँ पर ब्लास्ट हो चुका है क्योंकि उन्होंने गैस के पाइप के ऊपर गन्स चला दी है भाई बुलेट उसके अंदर लगी है पाइप के ऊपर और पाइप फट चुका है और लेंस लेंस के पीछे ट्रैप हो चुका है और बहुत जोरों की फ्लेंस आ रही है लेंस वहाँ से निकल नहीं सकता फाइंड अ वे बैक इनसाइड टू रेस्क्यू लेंस गाइस हम लोग वो फटा था जब पाइप तो हम लोग उड़ के उस तरफ गिरे थे तो अभी फिलहाल देखते हैं गन्ज लेते हैं और फटाफट से बचाते हैं अभी हमारी गन्स के दर है गन्स गाइस मिलने रही है यहाँ पर कुछ है कहती हमारी ही शायद यहाँ पर रखनी है दे स्नाइपर भी ले लेते हैं हमारी गन्स यहाँ पर उन्होंने रख दी थी वैसे अभी कटाना को छोड़ते हैं और अभी फटाफट से बचाते हैं जाके नेंट्स को क्योंकि प्रेशर बहुत ही ज्यादा हो सकता है और इस तरह से चलते हैं गाइस शूट द वेल्स टू टर्न ऑफ द ऑयल वेल्स पे शूट करने गाइस nice भड़बत से चलते हैं गाइस एक बेल्थ मुझे नजर आ गया ये वो वो चीज होते हैं जिससे ऑयल बंद होता है ऑयल बंद कर दिया. उसको मैंने बेसिकली फाड़ दिया गाइस तो यहाँ से हम लोग उस तरफ से चलते हैं पीछे तक रास्ता मुझे नजर आ रहा है पहले इन दोनों को टपका देते हैं उस तरफ से पीछे से मुझे रास्ता नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ तो पाइप है भाई साहब ये भी रह गया और हेलीकॉप्टर भी अभी हमारे ऊपर ही खड़ रहा है भाई इसको बता देते हैं मेरे अपनी आर पी नीचे ना इसको फाड़ देते हैं क्योंकि ये ऐसे मानवीन वाला जैसे बच के रहते हैं थोड़ा पाक It's, it's एक बैल्थ दूसरा वेल मुझे मिल चुका है एक वेल मैंने फाड़ दिया था और फटाफट से दूसरा वेल करते हैं भाई मैंस ब्रादर्स को तो मैं नहीं छोड़ूँगा उन्होंने हमने उनके लिए इतने काम किए उनका पैसा वापस लौटाया फिर भी वो हमें बोलते हैं कि भाई हम उनकी ज़िंदगी में पुलिस को लेकर आए और सब चीज़ों को हमने ही बिगाड़ा है तो हम अभी तक जिंदा हैं फिर उनकी वजह से वो ये ऐसा सोचते हैं वरना वो अभी तक हमें मार देते हैं

का जैसा मैंने सोचा था हमें मैंडस ब्राडर्स को भी टपकाना पड़ेगा क्योंकि वो हमारा सारा बिजनेस हथियारा चाहते हैं और बोल रहे थे कि हमें तुम लोग यहाँ से दफ़ा हो जाओ अगर अपनी फैमिलीज़ को अपने आप को जिंदा छोड़ना चाहते हो तो यहाँ से दफा हो जाओ हम लोग इनकी बातों में इतना खोए हुए थे कि हमें पता नहीं चला पीछे थे एक बंदे ने हम दोनों के ऊपर बंदूक मारी और भाई हम लोग बंदूक का पूछो अस्सा मारी करते मे हम लोग बेहोश हो गए थे वो हम उठे तो हमें यहाँ पर गैस कि फैक्ट्री में जहाँ पर गैस सप्लाई होती है ऑयल सप्लाई होता है बेसिकली डीजल वगैरह जो पेट्रोलियम वगैरह है वो सप्लाई होता है तो यहाँ पर हम लोग फटे मिले तो अब भी फटाफट से चलते हैं भाई लैंड के पास और देखते हैं फिर मेंडिस ब्रादर्स का क्या करना है क्योंकि हम लोग एक वार पर हैं मैंडिस ब्रादर्स से तो भाई हम लोग एक बंदे की कार छुरा कर लैंड के पास पहुंच चुके हैं और हम देखते हैं भाई मैंडिस ब्रादर्स का क्या करना है लहन से बात करनी पड़ेगी ब्रदर्स को कैसे हम लोग पटा सकते हैं पटाने का मतलब ओ भाई फिल, फिल कैसे दी कि एंट्री दोबारा से हो चुकी है और हमारा बेस्ट फ्रेंड जिसकी हमने इतनी दफा जानना चाहिए मार्टिनेस से भाई वो हमारे पास वापा गारुका है भाई इसको हमारे इस वार के अंदर ज़रूर हिस्सा लेना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत बेहतरीन शूटर है और एक शूटिंग रेंज भी चलाता है भाई यहाँ पर हमारा फ्रेंड उम्बर्टो भी आ चुका है और साथ ही साथ उम्बर्टो के कुछ बंदे और लेंस ने इन्हें बुलाया और ये सारे हमारी मदद करने आए और मेंडेंस ब्रदर्स और मार्टिनेस को टपकाने आए मार्टिनेस की बारी तो बाद में आएगी लेकिन फिलहाल अभी मेंडिस ब्रदर्स डिएगो और अरमांडो की बारी है भाई भाई यहां पर ये पासे कर रहे हैं कि मेंडिस ब्रदर्स को कैसे हराना है उनके बंदों के लिए कैसे और क्या प्लान कर रहे हैं यू डिड वेरी राइट टू डील विद दिस प्रिक भाई चलो अब एक्शन का टाइम है गाइस सब Look. लोग मिल पार्ट के तैयार हो जाते हैं और फटाफट से चलते हैं भाई फिल कैसिडी तो फुल एक्शन में लग रहा है क्योंकि एक शूटिंग रेंज चलाता है और इसका निशाना काफी अच्छा है एम का लेट मी नो इफ यू नीड एनी हेल्प भाई यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई M4 खाली है लेंस वेंस दे भाई इसको स्किप करते हैं और देखते हैं भाई आगे क्या सीन है तो बोन्स आर अटैकिंग थ्री ऑफ योर बिजनेस टेक लेंस टू तो डिफेंड द फर्स्ट बिज़नेस भाई जैसा कि उन लोगों ने पिछले हम लोग बोला था कि वो सारा का सारा हमें बिजनेस छीन लेंगे और यहाँ पर टाइम भी आ चुका है बिज़नेस छीनने से मुराद है था गाइज़ वो हमारे बिज़नेस प्रेमिस पर अटैक कर रहे हैं जो कि हम लोगों ने बहुत सारे लोगों से छीना है और उससे भाई हमारा बहुत ज़्यादा पैसा भी बनता है तो वो बिज़नेस हम लोग उनसे छीनेंगे फ़िलहाल अभी टाइम हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है भाई फ्रंट की साइड पे मुझे याद है हमने रिज़र्व एक खरीदा था बल्कि तोड़ा था जो कि यहाँ पर इन सबको गार्डिन्स तोड़ते हैं चलो भाई ये सारे चलो सब चलो टॉप बड़ा बड़ा दर ये पीस के गैस लेस तो बहुत मजा आ रहा है क्योंकि वो बंदे बहुत भाग रहे हैं ना डर के भाग रहे हैं लोगों गाइज लेंस की हेल्थ बिल्कुल भी नहीं गई है इसका मतलब है भाई हमारे बिजनेस वाले बंदे बहुत ही अच्छा लड़ रहे हैं भाई उसको देखो कितना पकड़ा है वो बैट से जा जाके मार रहा है उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं डर रहा भाई मुझे भी गोलियाँ लग रही हैं इस सेक्टर में ओ तो भाई ये ले तेरी तो तेरी तो मेरे बंदे को मारेगा बैट से ए मैं अपने बंदे को मरने नहीं लूँगा चाहे लेंस हो चाहे कोई हो उस सामने से पीछे से और भी बंदे आ रहे हैं मैं पहले पीछे वाला वो देखता हूँ क्योंकि वो लेंस के ज़्यादा करीब हैं गाइस मुझे लेंस को बचाना है बाकी सब मरते हैं अब पीछे वालों की बारी है इसको मैंने यहां से मार दिया लें अच्छा लड़ा है लड़ा है मुझसे ही सीखा तुमने तो ये तेरी तो ये ले मरने के बाद भी लाते मारूंगा तुझे मारो इसको जाओ। तुम में मारो इसको जागो तुम्हें मारो ही मारो ये ले तेरी तो आखिरी मारूंगा कल लिया डैशिंग Deshe, just like us. You mean we did it, Ivan? Brothers can kiss my ass. भाई वहां पर दूसरी जगह पे बिजनेस प्रेमिसेस जो हमने खोला था वहां पर उमट और फिल गए थे और इन तीन पे हम आए थे भाई वहां पर भी सबने सब लोगों को मार दिया और यहाँ पर भी हमने सारे बंदों को मार दिया हमारा मिशन हो चुका है पास बी पर फिर से बच चुका है बी पर ये कहता है भाई हमें के पड़वते हम लोग कहीं चलेंगे यार पेड़े हैं भाई ये देखो अंपायर अर्निंग ये हमारी अंपायर है जिसको वो लोग छीनना चाहते थे तीन हजार डॉलर भाई रोज की अर्निंग आती है तो आप सोच लो गाइस कितना कमाता होगा विक्टर इससे अगर ये वो लोग छीन लेते तो भाई बहुत ही ज्यादा मसला हो जाता हमारे लिए फिलहाल हमने उनको छीनने नहीं दिया रेनिंग नाउ मोर देन एवर कम टू बाय भाई क्या हो गया ये इसको को अभी हम अपने मसलों में पड़े भाई रैनी हमें बुला रही है चलो रैनी के पास फटाफट से चलते हैं। भाई रैनी का भी मिशन है डियाज ने भी हमें याद किया है और नैस ने भी हमें याद किया ये क्या सीन चल रहा है Let's go, guys, अभी हमारी विल बी हियर एनी बात हो चुकी है यहाँ पर डियागो के मैन आने वाले हैं और ये यहाँ से रैनी जा रही है भाई इन सबको मारना है क्योंकि ये जो बंदे हैं ना कज ये लोग वहाँ पर जाने वाले हैं और इनको हमें उस फिल्म में एंटर होने से रोकना है जहाँ पर रैनी बैठी होती है वहाँ पर एंटर होने से रोकना है क्योंकि रैनी के कुछ सिगरेट्स हैं या फिल्म के सिगरेट्स हैं भाई वो इन लोगों को पता नहीं चलने चाहिए और इन लोगों को साथ में ये भी नहीं पता चलना चाहिए कि भाई रैनी यहाँ से भाग चुकी है वरना ये लोग रैनी के पीछे जाएंगे तो हम इन लोगों को ये भी नहीं पता चलने देना और ये भी नहीं पता चलने देना भाई कि रैनी यहाँ से जा चुकी है और दूसरा उस फिल्म का सीक्रेट वो भी हमें इनको लगाने नहीं देना अब भी तो फिलहाल इन लोगों को उड़ाने वाले हम लोग भाई कितने बंदे आ चुके हैं यार पीछे वाले बंदों को मैं मारता हूँ क्योंकि यहाँ से जाने वाले हैं भाई ये लोग बहुत ज्यादा ही अंदर आ चुके हैं तो थोड़ा करीब जाके मारते हैं भाई ये पता नहीं कहा से आ, हैं आ, आ, गर आ गर रहे हैं लोग मुझे आगे पीछे जाके सब जगह जाके सब लोगों को मारना पड़ेगा मुझे दे नहीं सेकेंड ये लोग आ चुके हैं ओ भाई पीछे बहुत ज्यादा बंदे हो चुके हैं कश पीछे बहुत ज्यादा बंदे हो चुके हैं पीछे बहुत ही ज्यादा बंदे हो चुके हैं भाई बहुत ही ज्यादा बंदे हो चुके हैं पीछे की तरफ में तो इसकी भी खोपड़ी उड़ा देते हैं आगे की तरफ में और बंदे आ चुके हैं उन लोगों को पहले डबकाते हैं भाई वो देखो वो गाइस वो अंदर चले गए उन लोगों अंदर जाके फेंकना पड़ेगा yeah, फॉर मी हेल्प मी डार्ड ओ भाई साहब रैनी को उन लोगों ने ढूंढ लिया बी पर बजा दो से रैनी को हम लोगों को बचाना है और वो मेलीबो क्लब के पास ही है तो फटाफट से मेलीबो क्लब चलते हैं भाई गाय मैं अभी यहाँ पर आ चुका हूँ मेलीबो क्लब और यहाँ पर रैनी को शायद इन लोगों ने पकड़ के रखा होगा घर के अंदर गाइस यहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ रैनी को बचाने के लिए और यहाँ पर रैनी बैठी हुई है भाई यहाँ पर बैठा हुआ है बैठी हुई है पता नहीं लेकिन यहाँ पर मुझे सारे गूंज को मारना पड़ेगा क्योंकि गूंज बहुत बड़ी ज़्यादा ख़तरनाक है गाइस इनकी तो छुपा हुआ इसको करीब जाती है मार देते हैं ये तो ये ले इन सारे गूंज को मैंने यहाँ पर मार दिया है और रहनी और मैं यहाँ से भाग रहे हैं भाई वो तो ऑल ओवर हो गया हमारे ऊपर क्योंकि डी और और मांडो बिल्कुल भी हल्के में नहीं आ रहे वो हर किसी के ऊपर हमला कर रहे हैं जिनका हमारे से ताल्लुक है या जिसके साथ हम लोग बिजनेस चला रहे हैं बिजनेस से याद आया गाइस रैनी के पीछे वो इसलिए पड़े थे क्योंकि अभी तो हमें इसको हॉस्पिटल लेके जाना है सेफली और मुझे लगता है कि मेडि ब्रदर्स के बनने हमारे पीछे जरूर आएंगे तो गाइस अब भी मैंने यहाँ पर इसको भाई हॉस्पिटल oh, हो गया था भाई इसको हॉस्पिटल पहुंचाना और अब भी फिलहाल हम लोग चलते हैं डीएस के पास फड़ावत से भाई आज तो जेरी मार्टिन को मार कर ही रहेंगे भाई हम लोग फड़ावत से चलते हैं भाई जेरी डी एस के पास क्योंकि डी एस का यहाँ सब करीब है ज़्यादा तो डीएस के पास पहले चलते हैं भाई

तो आप ज़्यादा लैंस वैन ने उसके अंदर कुछ गन सिक्योरिटी हैं तो हमें उसके बाद फटाफट से पहुँचना होगा कोई लेन आ ले भाई उसको क्योंकि तो लैंस वैन ने मंगाई थी मैंडे ब्रादर्स को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा हाईली सिक्योरिटी गन्स चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें मंगाई थी भाई तो अभी फ़िलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं उस जगह पर और ये खड़ी वो वैन भाई इस वैन के अंदर फटाफट से बैठते हैं बैठते ही है गए और कुछ भी नहीं ओ भाई साहब अब मेंडिस ब्रदर्स को खत्म करने का टाइम आ गया है और इसमें गाइस डीएस हमारी मदद करेगा ये वेपन हमें डीएस नहीं दिए और हम उसके लिए काम करेंगे परसेंट इंटरेस्ट के साथ भाई दोनों यहीं पर ही मौजूद हैं नो मैथ वंडर्स मीनिंग भाई ये रोबोटिक तंत्र होगा राइट आई मैं जीता हूं सर्व करने के लिए यूज्ड द बेमोस्टो बोट टू फाइंड एंड क्रैक अर्मांडो सेफ यूज आर मैचर भाई अबे फिलहाल हमें बोर्ड को चलाना है और उसके सेफ को ढूंढना है भाई साहब उसके घर में ही जंग इन द मास्टर बेडरूम अच्छा टाइम नहीं guys हमारे पास और हमें जाना है और ये हमें ऑर्डर दे रहा है भाई ये AI robot रोबोट है ये सारा ट्रैश हमें साफ़ करना है फटाफट से हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और इस को हमें फटावट से साफ़ करना होगा वो हमें देखने आ रहा है गाई। लोकेशन मास्टर बेडरूम मोड की ओ भाई हम इसके ऊपर चढ़ रहे हैं भाई बेड के ऊपर मास्टर बेडरूम हमने क्लीन कर दिया है हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं बेसिकली हमने इसको हैक कर लिया है ओ भाई एक सेकंड पे पहुंचे हम लोग इज एन मेट्रोट तो फाइव एंड क्रैक अरमांडो से भाई अरमांडो का ये रोबोट है इसको हमने हैक कर लिया है कॉमजाउ टू हेल्स ये डाउन एंड ऊपर सी भाई अभी हमने जो सिग्नल देखा था ना भाई ये सिग्नल को खा लेते हैं सिग्नल हमने देखा था ये सिग्नल हमारा the mess about the toilet needs cleaning oh bhai abhi hame cleaning the toilet the oh. 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 what was that where is Emilio? My like the toilet yaar upar wala acha गाइस टॉयलेट इस तरफ से मैंने देखा था ये रहा टॉयलेट गाइस मुझे टॉयलेट मिल चुका है काफ़ी सा बोरिंग सा फंक्शन है गाइस ये है। लेकिन हमें अनवान्डो की बात माननी पड़ेगी ताकि उसको ये ना लगे कि हमने इस बोर्ड को हैक करा हुआ है वो जो ट्रक के अंदर आइटम आया था शायद वो हैक करने के लिए आया था फिलहाल भी इसको छोड़ते हैं कौन काम तो हमने वो खोल लिए लेकिन अब भी फिलहाल उसका वो हमें ढूंढना पड़ेगा सेफ़ कहाँ पर है गाइस मुझे तो पता नहीं चल रहा बिल्कुल भी सिग्नल तो दे रहा है लेकिन सेफ़ कहाँ पर है ये तो पता नहीं लेकिन अरमांडो का कॉल ना आ जाएगा उस वाले बेडरूम में लग रहा है मुझे ये बेडरूम तो नहीं है नहीं इसके अंदर ही होना चाहिए वो कुछ नजर तो नहीं आ रहा है गाइस यहाँ पर ऐसा कुछ नजर तो नहीं आ रहा है इस, तो इस कमरे के अंदर इस कमरे से बाहर चलते हैं क्या यार मांडो का बुलाना है अब भी पड़ाव से फिर साल मांडो भी ओ भाई किचन क्लीन पे द बैड इज हियर और वी भाई, भाई किचन तो शायद से नीचे है जहां तक मुझे याद है किचन नीचे तो हम लोग जा रहे हैं क्लीन करने के लिए नीचे किचन हमने इसके सिस्टम को हैक कर लिया भाई किचन ये है हाँ ताबने वाला किचन है इसको क्लीन कर लेते हैं टाइम से पहले वरना नहीं अरमान और गुस्सा हो जाएगा और ये अगर करीब आ गया इसने चेक कर लिया तो इसको पता चल जाएगा ये इसको किसी ने हैक करा हुआ भाई हम लोग हैक करके उस वैन में बैठा चला रहे हैं वही हर जगह बन रहा मेस्ट अवार्ड नाम है भाई इसका भाई अरमांडो का सेफ कहां पर है भाई जहां पर उसने पैसा रखा हुआ है यहां पर तो कोई जगह नहीं है गाइस बेसमेंट में गाइस मैं आ चुका हूं और मुझे बेसमेंट दिख वो सेफ दिख चुका है बेसमेंट बोल रहा हूँ सेफ दिख चुका है गाइस मुझे सेफ मुझे मिल चुका है एंटर द कोड टू वन सेफ जीरो 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 और तो चेंज दूस जीरो 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 गाइस होगा क्या ये मुझे पता नहीं चल रहा है फोर फाइव फोर सिक्स सेवन फोर नहीं हुआ एट फाइव एट नाइन जीरो सिक्स एट नाइन जीरो ओ oh, भाई साहब गलत कोड डाल दिया कोड होगा क्या जीरो वीरो करेक्ट डिजिट इन करेक्ट डिजिट प्लेस ऐसे पहले हम वीरो इधर वन डालिए देखते हैं भाई सो <laughs> कैसी सीएफ के बाहर पास में दोबारा आ चुका हूँ और <laughs> मुझे अब कोई टाइट कोड डालना ही पड़ेगा इससे पहले अरमान लो एट डालते हैं फोर डालते हैं यहाँ पर उसका आधा उसका आधा टू डालते हैं फिर यहाँ पर थ्री डाल देते हैं सी चेक करते हैं इनपुट करके मेरे पास कुछ ही आइटम्स बची हैं क्योंकि मैंने बहुत सारी आइटम्स गवा दिए हैं उसको खाना देने में उसके बाद इतने सारे गलत कोड डाले अब देखते हैं सही हो सकता है ये भाई कोड करेक्ट हो गया और सेफ खुल चुका है भाई यहाँ पर इतने सारे गलत टाइम डाले फिर न्यूज टू सेट ऑन फायर अच्छा भाई इसको चलाना है तो यू भाई इसके पूरे सारे फाइल्स पे सारी जितने पैसे पे थे उसके आग लगा दी है हमने बेसिकली इसका डोमेस्टो तो बोर्ड हैक कर लिया था और तो उसके बाद भाई इस ट्रक में बैठे बैठे हमने हैक कर लिया था इसके अंदर हायर सिक्योरिटी चीज़ें थी और हमने इसका डोमेस्टो वोड हैक करके इसके सारे पेपर्स जो थे सेफ के अंदर जितनी भी चीज़ें रखी हुई थी भाई उन सबको आग लगा दिया भाई अब भी हम लेंस के घर पे दोबारा पहुंच चुके हैं और ऑल द टाइम मैं इस ट्रक पर ही सफ़र कर रहा था मुझे ध्यान नहीं रहा फ़िलहाल अभी इस ट्रक को वापस यहाँ तो लाना जाना भाई अब भी फिलहाल लेंस से बात करते हैं लॉस्ट एंड फाउंड

तो हमारे साथ फ़िल्म शूट कर रही थी जिसके हमने लिए बहुत सारे सीन्स वगैरह भी किए थे बहुत धमाकेदार वाले सीन्स कर रहे थे गाड़ियों को उड़ाते हुए गए थे हम लोग वो वाले सीन्स कर रहे थे और वो जो पूरी फिल्म थी वो तैयार होकर रखती थी बस उसमें कुछ करना था तो वो फिल्म जो है वो बर्बाद कर रहा था फ़िल्म की स्क्रिप्ट वगैरह फिर के सीन्स वग़ैरह सब कुछ बर्बाद कर रहे थे मैंडिस और हमने अभी फ़िलहाल

लेंस ने बोला ले एक हेलीकॉप्टर लेकर आना मुझे बचाने के लिए क्योंकि बिल्डिंग के अंदर आग लगी हुई है तो अब भी वो टू तो लेंस एंड सी बोट प्रॉपर की वही उसने कुछ फायर का नाम तो लिया था कि बिल्डिंग में कुछ आग वाग लगी है शायद से वो अब भी वी केयरफुल और डैम डावेज भी नहीं कराना हेलीकॉप्टर को वैसे ही मारे जाएंगे वो लोग कहीं टुकवा दिया अब भी फिलहाल हमें उसको जाके देखना है कि भाई वो है कहाँ पर मैं गलत लिया है रहा है इधर हेलीकॉप्टर इधर चलाना इतना आसान नहीं होगा हेलीकॉप्टर तो दो बिल्डिंग के बीच से निकालना है अब निकाल गाइस हेलीकॉप्टर को बिल्कुल भी नहीं टकाना है हम लोगों को और लेंस के पास फटाफट से पहुंचना है देखना है कौन सी मुसीबत है भाई वो ट्रैप इन बिल्डिंग है वो ट्रैप इन बिल्डिंग एक बिल्डिंग के अंदर उसके लिए ट्रैप लगाया गया है लोग गाइस यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है हम लोग पहुँच चुके हैं लेंस के पास और डैमेज बिल्कुल भी नहीं करवाना है दस से ग्यारह सेकेंड है भाई क्या हो गया इधर है भाई लैंस लेंस मुझे दिख चुका है और यहाँ पास हम लोग लैंड कराते हैं बिल्कुल टाइम में मैंने उसको लैंड करा दिया भाई बिल्कुल टाइम में एक सेकंड रहता था टाइम लैंड करा दी है डी ट्रबल नो वेल डिड भाई ये हमेशा मुसीबत में फंस जाता है हम लोग इसको बचाने पहुंच जा रहे हैं भाई क्योंकि हमारा भाई है हमें बचाना पड़ेगा ये मार्टीनस आग लगवाई है भाई भाई मार्टीनस के बंदे फिर से माल ले गए हमारा अबे यार ये वो क्या रहा है ड्रग्स का चक्कर माल लेके जा रहे हैं माल कोई सिक्योरिटी की जगह पे रखो ना मार्टीनस गुलर फीलिंग इन बोर्ड टेक लेंस तो किल भाई लेंस हमारे साथ बैठ चुका है और वही वाली चीज़ वापस आ गई है बैलेंस वाली और मार्टीनस के बंदे बोर्ड्स के अंदर भाई लेकर जा रहे हैं हमारा स्ट्रैच जो कि लेंस के बाद था तो उससे छीन के भागते है भाई इतना सारा स्ट्रैच लेके जा रहा है वो देखो गाइस वो बोर्ड में जा रहे हैं स्टॉप फायरिंग है फिर बैलेंस भाई बोला सीन है कि लेंस का बैलेंस खराब नहीं होना चाहिए और डैमेज भी नहीं होना चाहिए ये सेम मिशन है बस डेस्टिनेशन अलग है जगह अलग है और मकसद अलग है मार मार मान मार 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 सही से फायर कर बैलेंस भाई इसका पूरा दिया हम लोगों ने आगे अच्छे तरीके से पार करेगा दूसरे बंदे को भी इसने डपटा दिया तकरीबा पोजिशन हेलीकॉप्टर जिस अब ट्रॉपिक बोट ट्रॉपिक बोट के ऊपर ही हमें इसको हेलीकॉप्टर को पोजीशन करनी है भाई भाई आराम से हमने बोट को लैंड करा दिया और लैंड जंप हो गया बोट के ऊपर अगलती यू गास्ट लाइट है टेक लुइस टू होम गाइस लुइस भी हमारे साथ बैठी हुई थी ना बोट के अंदर तो लुइस को फटाफट से घर छोड़ने चलते हैं मे बी वी कैन स्टिल हैव सम फन गाइस मैं अब भी यहाँ पर पहुंच चुका हूं लुइस को उतारने के लिए हमने लेंस वैंड को उस यार्ड पर उतार दिया था अब लुइस की बारी है लुइस को उसकी पसंदीदा जगह पर उतारना है और पर यहाँ पर हेलीकॉप्टर लैंड कराना भाई एक मौत सुसाइड करने जैसा है एक मिनट गाइस यहाँ पर हमें हेलीकॉप्टर लैंड नहीं करना होगा क्योंकि यहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह भी हैं अब ठीक है गाइस हमने हेलीकॉप्टर बिल्कुल सेफली लैंड करा दिया है और हम अब हम लोग लुइस को छोड़ने बैठ चुके हैं लुइस अपने घर के अंदर चली गई है अपने बहन के घर के अंदर ये वहीं पर ही रहती है ना। तो अब भी फिलहाल भाई कोई मैसेज वगैरह नहीं आया वह मैंडिस को हमने बर्बाद कर दिया बिल्कुल मार्टिन एज़ यू वर्ल्ड लकी बट यू हैव गॉट डैश फॉर ब्रेंस जस्ट रिमेंबर लक रन आउट वह वगैरह अब मेरा लक खत्म हो गया है विक्टर का और अब विक्टर जो है वो एक पागल सा आदमी है अब इसका लक़ खत्म हो गया यानी इस दफ़ा वो वाटीरे से नहीं पूछ चुका हुआ थैंक्स फॉर लुकिंग आफ्टर लुइस तो भाई लुइस आप सभी लोगों को पता है जो लोग मुझे शुरू से देख रहे हैं उन सबको पता है कि लुइस भाई फिल कैसेडी की बहन है तो वो हमें शुक्रिया अदा कर रहा है कि उसको तुमने बिल्कुल सेफली हर जगह रखा है अब कोई आर का मिशन आया है ये आर है कौन साइज गाइस आर की तरफ चलते हैं और देखते हैं ये आर है कौन फटाफट से तो गाइस यहाँ पर मैं हॉस्पिटल पहुंच चुका हूँ और ये आर जो थी भाई वो रैनी थी मैं तो भूल ही गया था क्या हमने रैनी को भी हॉस्पिटल में डाला था और हॉस्पिटल से बाहर निकालना हमें रैनी का काम भाई वो हमारा ही है। क्योंकि हमारे ऊपर एक फिल्म बना रही है भाई ये डिफरेंट भाई ये बैरी वैरी से बातें कर रही थी और हम लोगों को अब क्या करना है, तो है यहाँ से क्योंकि गाड़ी घूमते है अच्छी सी उसके बाद इसको रैनी को लेके चलते है मैंने यहाँ पर एक पन्ना कार एक बंदे से चुरा लिया और इसमें बिठा के को ले चलते हैं भाई रैनी ने कपड़े देखो टॉवल पहना हुआ भाई इसने अच्छा टॉवल नहीं पहना हुआ put it down below, darling. I'm a virgin, shiny and new. You. you could be my first. Do, तो, Lee. भाई ये उल्टी सीधी बातें करती रहती है रैनी बिल्कुल दिमाग से पागल है लेकिन ये एक अच्छी डायरेक्टर प्रोड्यूसर और फिल्म मेकर है भाई इसने हमारे ऊपर एक फिल्म बनाई है और उस फिल्म से जल्दी हम लोग पैसा कमाने वाले हैं भाई जिसमें हमने एक्टिंग भी करी है भाई ओ भाई साहब अब कौन आ गया है मेरे भाई अब इन लोगों से बच के को एयरपोर्ट सेफली उतारना पड़ेगा गाइस मैं उनसे सेफली बचके के यहाँ पर एयरपोर्ट पर आ चुका हूँ ये देखो भाई मेरी कार का टायर पंचर हो रखा है ये मैंडिस ब्रदर्स ही होंगे जिसको मार रहे होंगे भाई डीए को मैंडिस इसके पीछे पड़ा हुआ है अरमांडो उस तरफ था और डीए को इस तरफ था भाई रैनी अब यहाँ पर छोड़ रही है

कॉलेज जो है वो एक कॉन्सर्ट कर रहा है हमें उसके स्टेडियम पहुँच है स्टेडियम पर कॉन्सर्ट है जहाँ पर लास्ट टाइम हमने उसको लास्ट एपिसोड में हिटमैन से बचाया था तो उस स्टेडियम पर फटाफट से चलते हैं भाई गाइस यहाँ पर स्टेडियम हम लोग पहुंच चुके हैं और देखते हैं भाई यहाँ पर क्या सीन है अगला हमें वेट नहीं हो रहा सिक्योरिटी टाइट भाई हमारे पास बहुत सारी वेपन है सारी की सारी बाहर छोड़नी पड़ेंगी अंदर कोई लफड़ा हो गया तो भाई ये देखो फिल कॉलिंस वो आपके सामने बीच में खड़ा हुआ है गिटार लेकर रेड कलर का और यहाँ पर फिल कॉलिन देखो आपने विल कॉलिन वाइल सिटी हर जगह पोस्टर लगे हुए बैनर लगे हुए ये फिल कॉलिंस है और ये बैरी है भाई उसको बता रहा है कि तुम कहाँ पर थे भाई भाई चीजों पर ध्यान रखना कह रहा मैं पीछे जा रहा हूँ भाई यहाँ पर ऊपर कोई बंदा भाग रहा है भाई यहाँ पर ये झूमर जो है ऊपर का केबल स्टॉप देन कौन कौन है भाई गाइस ये लोग केबल वेबल काट रहे हैं थे कटिंग द केबल स्टॉप देम भाई यहां पर ये देखो गाइस अब मुझे गाइस इनसे से लड़ना पड़ेगा सपोर्ट लाइन on और यहां पर ये सपोर्ट लाइन तोड़ रहे हैं और अगर इन्होंने रिंग कट कर दी भाई वो डायरेक्ट फिल के मुंह पे गिरेगा तो मोरी तो म, 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 भाई इसको भी फोड़ दिया और क्या कट कर रहे हैं भाई वो लोग मुझे उस तरफ जाके देखना चाहिए देर कटिंग केबल्स भाई वहां पर एक बंदा केबल को काट रहा है एक मिनट उसको मार दे तेरी तो ये ले भाई मेरी बॉक्सिंग स्किल्स काफ़ी कमजोर है केबल हैज़ बीन कट भाई वो लोग केबल्स पे केबल्स काटे जा रहे हैं मैं क्या करूँ ये ले। तो। भाई इसको भी हमने टपका दिया और थोड़ा बच्चे से उस तरफ चलते हैं भाई कौन सी केबल काट रहे हैं वो लोग मैं तो सारे बंदों को चेक कर रहा हूँ कहीं भी बंदे नहीं नजर आ रहे हैं मुझे तो केबल कहाँ से काट रहे हैं लोग भाई मुझे लग रहा है गिरने वाली है इसके ऊपर ये गिरने वाली है लाइट्स यहां पर कोई बंदा एंटर हुआ है ये बैरी तो नहीं लग रहा मुझे बैरी तो काफी मोटा है भाई ये फिल कॉलेंस लग रहा है मुझे हाँ ये फिल कॉलन ही है वो गिटार वाला बंदा फिल कॉलेंस नहीं था ये फिल कॉलेंस है भाई ये जो गार है इसकी एंट्री से पहले वही हमें कुछ करना पड़ेगा क्योंकि उसके ऊपर लाइट्स ना गिरी हैं उन्होंने वायर कट कर दी है लाइट्स की ये देखो ये फुल तगड़े हो गए गिटार बजा रहे हो वो गाने गा रहा है यह फुल कॉन्सर्ट हो रहा है भाई भाई आगे बताइयो आगे बताइयू लाइट गिर जाएंगी तेरे ऊपर मरेगा बेटा तू स्किप करते हैं इसको भाई स्टॉप डेम्प ये रहा खोपड़ी तो खोपड़ी तोड़ते हैं कोपड़ी तोड़ इसकी खोपड़ी तो मेरी टूट जाएगी फरते केबल कट भाई बैर ही नीचे खड़ा हुआ क्या कर रहा है भाई अगर और केबल कटी तो भाई अब फॉल हो जाएगा वो गिर जाएगा

और हमने उसको बचा लिया है और अब भी फिलहाल भाई हम लोगों को कोई मैसेज वैसेज नहीं आने वाला पे का मैसेज आया भाई देखते हैं क्या सीन आगे यहाँ पर लोग कॉन्सर्ट से अपना मस्त स्टेडियम के अंदर से निकल रहे हैं क्योंकि स्टेडियम में कॉन्सर्ट था फ़िलहाल अभी हम लोग चलते हैं नीचे की तरफ इवेंट ऑन अ रियल डेट मिस्टर जैस आई गेस यू विल बी एट लेंसेज लाइक यू सी यू देयर बस अभी हमें लेंस का कॉल आया और हमें फिलहाल अभी वहाँ जाना पड़ेगा शायद किसी का कॉल आया किसी ने हमें वहां तो बुलाया है तो भाई और बहनों हम लोग पे लाल भी पहुंच चुके हैं लेंस के घर पे और फटाफट से चलते हैं और देखते हैं भाई लेंस का क्या सीन है क्या करना है भाई इसको स्किप करते हैं एक मिनट लुइस है ही विक भाई लुइस को देखने आया है भाई मुझे लग रहा है ये गालियाँ दे रहा मैंड ब्रदर्स उसको पकड़ के लिए लुइस को हमने लुइस का पूछा और ये गुस्सा हो गया फौरन ओ भाई को पकड़ लिया उसने लुईस की बहन हमें बोली आई यहाँ पर लुइस को पकड़ लिया और हमें अभी जाना होगा भाई अभी बाकी चीजों को छोड़ दो। we'll अरमांडो के बंदे खड़े हैं पर गेट आउट ऑफ वाइस नाउ एंड सिटी से बाहर निकल जाओ तुम जिंदा बच जाओगे वरना लड़की जिंदा जाएगी वरना तुम मरोगे भाई साहब मैंने एक बाइक पीछे खड़ी रखी थी उस पर चलते हैं लेंस तो हमें छोड़ चला गया था यहाँ से कई यहाँ पर लेंस वेंस तो अंदर एंटर हो चुका है लेकिन हमने यहाँ पर बॉडी भी बुला रखे हैं भाई मैंने यहाँ पर अपने साथ बॉडी भी बुला रखे हैं तो भाई अब मुझे कोई मसला नहीं होने वाला क्योंकि बंदे बहुत ज़्यादा हैं इसलिए मैंने बॉडी भी ऑर्डर कर लिए थे भैया आवाज़ कहाँ से आ रही है ये शायद बाइक के अंदर से आवाज़ तो नहीं आ रही एक मिनट बाइक को हटा के फ्री करते हैं वहाँ से ये साउंड पता नहीं कहाँ से आ रहा है लेकिन उसका कोई मसला नहीं है हम लोग अभी चलने वाले हैं भाई बॉडी गार्ड्स वाले मेरे पीछे होना आप तीनों बॉडी गार्ड्स मेरे पीछे आ रहे हैं और ये लोग भी भाई इनके हाथ में भी असॉल्ट राइफल्स हैं तो अब मैं पैदल जाने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास कोई कार वार नहीं है और ना ढूंढनी है मुझे कल कोई अभी फ़िलहाल हम लोग आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे और बंदे गाइस मैप में मैंने देख लिए हैं बहुत ही ज़्यादा बंदे हैं गाइज़ फ़िलहाल अब भी यहाँ से खड़े खड़ा मैं आर मार देता हूँ और अगर कोई यहाँ पर बंदा आएगा दूसरा तो उसको ये मेरे बॉडी देख लेंगे लेकिन अब भी फ़िलहाल मैं हर जगह पर हर जगह आरपीजी मारने वाला हूँ ताकि सारे बंदे जितने ये वो सामने सामने के सारे बंदे मर जाएँ पर भी काफ़ी गाइस बनने हैं और अब सामने की तरफ में बहुत बनने हैं वो देखो सामने गाइस बंदे खड़े हुए हैं बहुत सारे इसको भी टपका डाला है और यहाँ पर इधर भी आरपीजी मार देते हैं ताकि और भी लोग मरिए जाए जितने भी गाइस अंदर बनने हैं अब चलो भाइयों टाइम आ गया कि हम लोग इसको बचा लें आ जाओ ऐसे किस बात के दे रहा हूँ तुम लोगों में You मुझे आर्मर लेना है, मुझे लग। गैस मैंने पीछे की साइड से आर्मर फुल करा लिया है और फुल करा लिया नहीं पहन लिया है आर्मर और यहाँ पर अभी हैं। पीछे बनने का यहाँ से हमें मुझे लग रहा है मुझे जम मार के दिखना पड़ेगा इसके पीछे की तरफ में बनने है वो टारगेट पर से टकराते हैं लोग ताज ने गोलियां भी भी लगनी हैं लेकिन दीवार के पार गोलियां आगे से रही हैं मुझे नहीं लगता ताज दीवार के पार गोलियां आ रही होंगी मुझे एक काम करना पड़ेगा गाइस मुझे लग रहा है मुझे यहाँ से बॉम्ब फेंकना पड़ेगा यहां पर मुझे सब जगह पर बॉम्ब फेंकना पड़ेगा मुझे लग रहा है गायज गाइस बॉम्ब फें फेंक के गुजारा कर रहा हूं क्योंकि यहां पर बंदे इतने हैं कि उन लोगों को मारना गाइस बहुत मुश्किल है

भाई यहाँ पर इससे ऊपर भी नहीं जा सकते अभी फिलहाल हम लोगों को दूसरी तरफ से जाना पड़ेगा हाँ। <laughs> बॉडी गार्ड का फायदा यह है कि गाइस वो देखो से बंदे आ रहे हैं ये तीन बॉडी गार्ड बेसिकली गर्ल्स रही है और ये उन लोगों को मार रही है फिर भी बॉडी गार्ड रखने का एक ये फायदा है गाइस अब अंदर फटाफट से चलते हैं घर के अंदर और देखते हैं कि लेंथ और लुइस को कहा छुपा के रखा है मैंडस ने भाई इसको स्किप कर दे। ओ भाई साहब ये तो मेरे पीछे पड़ गया पागलों के यस। yes. भाई मुझे भी भागना चाहिए भाई इसको ऐसे ही मार देते हैं डायरेक्ट ओ भाई साहब भाई मुझे आर्मर लेना पड़ेगा भाई मैंने इसको यहाँ पर टपका डाला लेकिन मैं भी मरने वाला हूँ टपका डाल दिया भाई मैंने फाइनली वी द देंडेज ब्रदर्स और लुइस और लैंस यहाँ पर बेहोश पड़े मैं भाई से उसको मारना था मेरे ऊपर भी आग लग रही थी लेकिन थैंक गॉड गेम वालों ने भाई वहाँ पर हेल्थ और आर्मर दिया हुआ था सीनेमा भाई लुइस को कितना गंदा मारा है वही चाकू गोपे इसके पेट में और उसके मुंह पे भी काफी ज्यादा चाशूस के निशान है भाई हम कह रहे हैं इसको हॉस्पिटल चलो भाई लेकिन ये कह रही है अब बचने का कोई भी चांस नहीं है और अब भाई विक्टर के लिए दिल टूटने वाला सीन हो रहा है क्योंकि भाई उसकी बीवी जो थी वो मर चुकी है बेसिकली बीवी नहीं भाई मेक श्योर टेक्स केयर ऑफ द बेबी मैरी जो इसकी बहन है और इसकी एक बेटी थी छोटा सा बेबी था बेटा था ये बेटी थी पता नहीं इसका लेकिन ये मर चुकी है भाई ये है है गाइस लेंस को चेक कर लेंस जिंदा तो नहीं बचा भाई लेंस भी मर गया क्या भाई लेंस उठा हुआ है भाई लेंस उठा भाई थैंक गॉड लेंस तो बचा भाई ये भी मर गया था वैसे ही जिंदगी आराम करी हुई इतने विक्टर वेंस की माय अर्मांडो मेंडेस को हमने मार दिया है और डिएगो मेंडेस को हम पहले मार चुके थे तो भाई फाइनली मैंडस ब्रादर्स का खेल खत्म हो गया और गाइज आप मेरी हेल्थ देख सकते हो कि कितनी है और अब बारी आ चुकी है भाई जेरी मार्टीनस की डीएको को हमने शायद नहीं मारा गाइज मुझे नहीं लगता डीए को हमने कहीं मारा है मिशन जो हम कर रहे थे डीए को कहीं नहीं मारा हमने अरमांडो मैंडस को मार दिया है लेकिन डीए को को नहीं मारा और अब बारी है जेरी मार्टीनस की कि वो अपनी मौत का मजा छुपे तो भाई और बहनों हम लोग आ चुके हैं भाई अरमांडो मैंडस को फिनिश करके और भाई लुइस मर चुकी है ये बहुत ही सैड मोमेंट है विक्टर के लिए लेकिन लैग बच गया है और ये ही बैड मोमेंट है भाई अगला मिशन है डी के पास ओवर द टॉप आई नो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई हुई लेकिन आज हम लोग तो इसके बाद शायद या एक या दो मिशन रहते हैं बकर जेनी मार्टीन इसको फाड़ लेंगे भाई ऑफ द गर्ल्स ऑफ यंग दर्ल्ड मैं दिस ऑपरेशन डाउन

भाई क्या रहा है, मैं तुमसे मदद नहीं मांगता लेकिन फिर भी मैंने मुझे ज़रूरत है इसलिए मैं तुमसे मदद मांग रहा हूँ वहां पर कोई चौपर खड़ा है इसने बताया हमें गए तीनको का फिल स्ट्रक भाई फिल स्ट्रक के अंदर बैठते हैं हम लोग ये क्या सीन कर रहा है अब ये नहीं पता हम लोगों को गो टू फोर्ट बैक्स्टर फोर्ट बैक्स्टर ही जगह है गाइस जहाँ पर हमारा मिलिट्री बेस हुआ करता था हुआ करता था नहीं है जहाँ से हम लोग आया जाया करते थे लेकिन मार्टिनेस की वजह से हम लोग एक ड्रग के इल्जाम में सोल्जर की नौकरी से निकाल दिए जा चुके थे a, a, a sister, I mean. तो भाई अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं फोर्ट बैगस्टर जहाँ पर भाई वेक पहले हुआ करता था बड़ा से चलते हैं भाई गाइस अभी ने हम लोग यहां पर पहुंच चुके हैं फोर्ट बैगस्टर और देखते हैं भाई आगे कौन सा चौपर वॉपर लेते हैं हम लोग यहाँ से ओ भाई साहब ये लोग मिलिट्री बेस के अंदर बिना जात के घुस रहे हैं। ओ भाई साहब इन्होंने धमाका कर दिया फिल ने जो बॉम्बाइन हमने इसकी बचाई थी उसी बॉम्बाइन को लगा के इसने धमाका कर दिया द वॉल इनटू द तो फोर्ट बैक्स्टर भाई उस वॉल के ऊपर हम लोगों को फोर्ट बैक्स्टर के अंदर घुसना है बेसिकली मिलिट्री बेस है तो यहीं पर ही घुसना है यहाँ पर काफ़ी सारे बंदे हो रखे हैं दिन लोगों को यहीं से मारना पड़ेगा मुझे पुलिस भी मेरे पीछे पड़ चुकी है और अब मुझे लग रहा है कि मेरा बचना यहाँ पर मुश्किल हो रखा है क्योंकि फिल ने बहुत बड़ी गलती कर दी है अभी यहाँ पर सारे मिलिट्री के बंदे हमारे पीछे आ चुके हैं गाइज वीडियो लंबी बहुत हो गई है लेकिन गाइज मज़ेदार भी बहुत ज़्यादा है ऊपर चॉपर भी आ चुका है गाइज और पुलिस के दो स्टार वांटेड लेवल भी हो चुके हैं मुझे लग रहा है आज तो छः स्टार पूरे करूँगा मैं चॉपर उस तरफ खड़ा हुआ है लेफ्ट साइड में यहाँ से और वो ऊपर से कोई बंदूकें भी चला रहे पहले सामने वाले को बंदों को मार देते हैं उसके बाद ऊपर वालों को देखेंगे ये सामने से सा आ रहा है इसको पहले उड़ा देते हैं उधर से भी एक बंदा हमारी तरफ आ रहा है इसके पास चलते हैं, इसको उड़ाते हैं मिले। गाइज यहाँ पर हम लोग इसके अंदर एंटर होने वाले हैं और यहाँ से शायद ऊपर चौपर का रास्ता होगा फाइंड द कंट्रोल रूम डिपार्ट ओ भाई साहब यहाँ पर तो और भी बंदे हैं भाई यहाँ पर बहुत सारे बंदे हैं कैमरा में चेंज नहीं कर पा रहा हूँ कैमरा काफ़ी ज़ूम रखा है यहाँ पर और भी बंदे जो नहीं है भाई इस तरफ मैं जा नहीं पा रहा जा पा रहा हूँ इस तरफ रूम के अंदर कोई रास्ता दिखा रहा है रहेगा यहाँ पर है वो कंट्रोल रूम और यहाँ से ये यह चॉपर का गेट हमने खोल दिया दगाड़ता ट्राइंग टू मेक द हंटर टू सेफ्टी भाई इस हंटर को हमें लेना है क्योंकि इस हंटर के जरिए ही हमें टेक ऑफ टू ढाई मिनट में भाई गेट ऑफ बिल्डिंग एंड भाई हमें इस बिल्डिंग से बाहर निकलना है और चॉपर के टेक ऑफ होने से पहले टाइम चल रहा है टू मिनट फोर्टी फाइव सेकेंड रह गए हैं बस उसके टेक ऑफ टेक आउट टेक ऑफ होने से पहले हम लोगों को उसको चुराना है भाई स्टील दिल्ट्री मिलिट्री हेलीकॉप्टर बिफोर इट टेक्स ऑफ भाई वहाँ पर बंदे तो होंगे सारे बंदों को तो हमने पहली मार दिया था इसके ऊपर से हम लोग जंप लगा लेते हैं जंप तेजमे ने इसके ऊपर से जंप लगा लिए और बंदा एक सामने से सा आ रहा है उसको यहीं से हम टपका देते हैं और पीछे भी बंदे हैं पहले उनको टपका देते हैं भाई भाई दो मिनट ढाई सेकंड में टेक ऑफ करने में एक मिनट जो इनको छोड़ देते हैं पहले हम लोग हेलीकॉप्टर के अंदर ही बैठ जाते हैं डायरेक्ट क्योंकि टेप ऑफ करने लगा है इसको हमने उतारा और हम लोग हेलीकॉप्टर को लेके निकलने वाले हैं भाई इत से एक तो हेलीकॉप्टर बैक सो रहा है डीएस भाई गोलियां हमारे पास पीछे चल रही थी लेकिन हम लोग अब जाने वाले हैं पोर्ट बैक्स्टर से बाहर और इसको लेके जाने वाले हैं हेलीकॉप्टर को स्टारफिश आइलैंड ये गाइस वाहिद वो सबसे तगड़ा हेलीकॉप्टर है जो वेपन्स फायर करता है भाई जिसके अंदर वेपन्स लगे हुए वाहिद हेलीकॉप्टर है पूरे वाइट सिटी में जो कि सिर्फ मिलिट्री बेस में ही मिलेगा और हमने मिलिट्री बेस से चुरा लिया है वो सबसे तगड़ा हेलीकॉप्टर जो कि पूरी वाइट सिटी में है और हम लोग इसको लैंड कराने वाले हैं हेलीपैड पे जो कि भाई इस स्टारफिश पी एस साहब के मेंशन पे ऊपर है ओ भाई साहब ऊपर ऊपर कैसे लैंडिंग हुई भाई।, भाई हमने इसको लैंड करा दिया है सेफली और अब हम लोग भाई डीएगोमेंडस को मारने के लिए निकलने वाले हैं भाई मुझे लग रहा है डीएगोमेंडस हमें जेरी मार्टीनस के साथ ही मिलेगा तो फटाफट से उन लोगों को मारने के लिए भाई हम लोग रेडी हो जाते हैं मार्टीने से मैसेजा है इस टाइम टू सेट अल थिंग्स बिटवीन यू एंड मी आई विल बी सींग यू विल उसकी तरफ से मैसेज आ चुका है कि अब वक्त आ गया है कि हम लोग इस चीज़ों को फाइनल कर लें और भाई तय कर लें कि कौन बॉस है और कौन लूज़र भाई हमारे साथ है रिकार्डो डीएस और मुझे लग रहा है ये टाइम आ चुका है हम लोग जाने वाले हैं जेरी मार्टीनेस का गेम तमाम करने और पन्ने वाले वाइट सिटी के पॉस तो भाई वक्त आ चुका है कि हम लोग जेरी मार्टीनस को उसकी औकात याद दिला दें और साथ ही साथ डिएगो मेंडेस को उसके एक भाई अरमांडो को तो हम उसकी औकात याद दिला चुके हैं और अब इस टॉपर में हम लोग जाने वाले हैं वहां पर जा मेंडेस इज डाउन डाउन टाउन हिज प्लेस लाइक अ फोर्ट्रेस बट दिस शी विल टेयर द होल्डिंग भाई डी बोल रहा है डी हमारी मदद कर रहा है बदले में हम लोग डी के लिए काम करेंगे और फ्यूचर में उसके लिए बहुत उसकी मदद करेंगे तो ये चॉपर जो है वो होल बिल्डिंग को उड़ाने वाला है ये इतनी ताकत रखता है कि पूरी होल बिल्डिंग को ये एक चुटकी में मक्खी की तरह मसल देगा तो अभी फटाफट से चलते हैं इस चॉपर को लेके भाई फड़ाव से डाउनटाउन और वहाँ पर है भाई हमें मिलेगा अरमांडो सॉरी डिएगो एगोमेंडेस अरमांडो को मार चुके हैं और वहाँ पर हमें मिलेगा चेरी मार्टीनेस साथ ही साथ भाई यहाँ पर हम लोग पहुंच चुके हैं उस जगह पर जहाँ पर अपना चेरी मार्टिनेस अड्डा लगाया बैठा है और यहाँ पर सारे गार्ड को अब हम लोगों को तबाह करना पड़ेगा जो कि उस बिल्डिंग के आपसे सामने दिख रहे हैं भाई इसके अंदर इतनी फायर है देखो गाइस ये कैसे तोड़ रही है भाई चौपर के रॉकेट्स किस तरह से सब गार्ड्स को मार रहे हैं चलो मेन नेट वेल आईड विक्टर की आवाज है वो बोल रहा है मेंडिस कहां पर हो भाई तुम एक बंदा उस तरफ में खड़ा तो है लेकिन उसको रॉकेट लग ही नहीं रहा है गाइस शायद से वो मर गया है लेकिन मुझे उस तरफ जाना पड़ेगा और वहां पर देखते हैं गाइज बाकी चॉपर भी बहुत सारे हैं लेकिन ये वो वाहिद ऐसा चॉपर है जो भाई इतनी तगड़ी डैमेज कर देता है अपने अपोनेंट्स को और यहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ है वो अभी गिरा नहीं है पूरी तरह से मर गया है गाइज वो और कौन बंदा बचा है गाइज भाई मैंने शीशे वगैरह सब तोड़ दिए हैं और सारे बंदों को मार दिया लेकिन अब पता नहीं अब हमें आगे क्या करना होगा या हम बिल्डिंग के अंदर जाएंगे यहीं यही। चौपर से हम लोग मुकाबला करेंगे वही और बंदे ऊपर आ चुके हैं उस साइड पर हैं और बंदे जो मैप दिख चुका है उस साइड पर है हमें यह भी ध्यान रखना है कि भाई हमारा चौपर ज़रा भी डैमेज ना हो साथ ही साथ हम लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि सारे बंदे मारे जा चुके हैं कॉइ अब भी यहाँ पर हमने सारे बंदों को मार दिया है और डीए को शायद सामने ही है लेकिन हमारा जो मिलिट्री हेलीकॉप्टर था भाई वो तबाह हो चुका है हमने तकरीबन बहुत सारे बंदों को यहाँ पर टपका डाला था और भाई इस टाइम टू शो हु इज द बॉस भाई यहाँ पर हम लोग अपनी सॉल्ट राइफल लेके अंदर जाने वाले हैं और भाई अब ले, ले लेते हैं अपनी यहाँ सॉल्ट राइफल और बिल्कुल भी हमें घबराना नहीं है अंदर बिल्डिंग के अंदर एंटर करने से टेक और भूल भाई यहां पर बहुत ही ज्यादा गार्ड हैं मैं बारी बारी, बारी एक का, का इंतजार करूंगा यहाँ पर शीशे वगैरह भी टूट रहे हैं ओ गाइस यहां पर मैं आर्मर ले लेता ले हूँ साइड में आर्मर नजर आ गाइस मैंने वहां साइड से आर्मर ले लिया और हेल्थ भी फुल कर ली है अपनी लेकिन सामने बंदे भाई अभी नहीं है अह फिक्स्ड है अब की साउंड वीक को सामने जा जाके मारना पड़ेगा क्योंकि तो तो फिर फिर लेके आना पड़ेगा आर्मर पर पर मैं मैंने ले लिया और मैं जा रहा हूँ भाई अब नीचे कल मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि हम लोग जेरी मार्टीनस को मारेंगे भाई यहाँ पर और भी गार्ड जाए Yeah, you are... बच्ची यहां पर आरमारो तो मेरे लिए बहुत आसानी होगी दिस कल यहां पर मैंने आधे बंदों को तो मार दिया है लेकिन अभी भी और बंदे इंटायर बिल्डिंग के अंदर थे भाई इनको जो हन्नम बासिल करेंगे एक एक करके सब लोगों को अब हम लोगों ने सब लोगों को मार दिया और बारी है भाई डी को की ओ भाई साहब हेलीकॉप्टर एक और चॉपर कहाँ से आ गया लेकिन ये कोई मिलिट्री चॉपर नहीं है ये अटैक नहीं कर सकता हम पे ये सिर्फ भागने के लिए काफी ही होगा ओ भाई साहब चेरी मोटी ने शक्ल की तीन दान देखी है मैंने अब इन लोगों को टॉयलेट में फ्लश करके बश कर दूंगा मैं वही आर्मन मैंने यहाँ से ले लिया और अब हायर फ्लोर पर हम लोग जा रहे हैं टेक आउट द गार्ड टेक कवर फ्रॉम फ्रॉम द हेलीकॉप्टर अटैक द हेलीकॉप्टर का इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है मेरे पास आर पी जी है टेक आउट द गार्ड भाई गार्ड जा रहे हैं हेलीकॉप्टर भाई पिर से हेलीकॉप्टर आ चुका है आप है इसकी आर पी जी से पटेंगी ओ भाई साहब मैंने अपने आप को ही मार लिया है यहाँ पर और गार्ड्स को मुझे मारना जरूरी है ओ पीछे है भाई गार्ड तो ये जमीन पे एक बंदा पड़ा भाई वो रे गार्ड क्या है? जो गार्ड दिख चुके हैं मैंने दूसरे गार्ड को भी टका दिया है और अब आरपी की बारी है यहां पर मुझे लग रहा है है वो आ चुका हेलीकॉप्टर और यहाँ पर इसको आर मार देंगे मैंने हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया है और हेलीकॉप्टर शायद नीचे आगे गिर चुका है और अभी भी यहाँ से आर्मर ले, ले लेते हैं मैंने आर्मर तो फुल करा दिया है लेकिन शायद से हेलीकॉप्टर नीचे चला गया है टेक आउट टेकआउट गार्ड्स गार्ड्स फिर से आ रहे हैं तरफ से टेक कवर फ्रॉम दी हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर फिर से आ चुका है शायद से हेलीकॉप्टर को मारा था फिर भी हेलीकॉप्टर फिर भी आ चुका है yeah, yeah, guys, और हेलीकॉप्टर ना फॉलो दी दिअ गाइज रूफ के ऊपर गाइस रूफ के ऊपर। गाइस हमें अब रूफ पर जाना है जहां पर हमें मिलेगा जेरी मार्टीनस पर दरवाज़ा शायद इधर से नहीं है दरवाजा उस साइड उस साइड से शायद वो का ऊपर जाने का दरवाजा शायद इस साइड से यहाँ पर ऊपर जाने की स्टेयर्स मिलेंगे हमें और हमारी मुलाकात होगी अब जारी मार्टिनेस से फेस ऑफ बेबी फेस ऑफ टेन हार्ट पीछे से उसने वाई पे करी है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं हम लोग टॉस गन टेक आउटी मार्टिनेस लेकिन मार्टीनस के बारे है ये लो भाई साहब तुम गाइस फाइनली हम लोगों ने मार्टीनस को मार दिया और अपने सबसे बड़े दुश्मन को वाई सीसी से आउट कर दिया थैंक्स फॉर एवरी थिंग मार्टीनस यू वर्क फॉर इट हेल्प भाई मुझे लग रहा है लेफ एंड क्रेडिट लेने आगे बात गाइस एक्शन हमने करा अब रिएक्शन अब आप लैंस का देखें भाई भाई अब भी आ रहा है जब हम लोगों ने सबको मार दिया तब आ रहा है एक्शन दिखाने के मैं भाई मैं भी लड़ने आया था मैं कोई पप्पे नहीं खेल रहा था लेकिन ये हमेशा से गोटियां खेलता है भाई इसको से पैसों की पड़ी है एक्शन के टाइम पे कहीं पहुंच जाता है इसे कोई यू एंड नहीं कर रहा है Victor and like, Yes, 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 you are my brother. Get out of town, obey low for a little while, you know? Yeah, I do I'm gonna send some money to Pete. Cool! But bro, I don't want to make it. It's stuck to Bob Sue. That is all the Bob Sue. By Api, we're going to go to Victor or Vance, Lance, we're going to I got all the 20 keys. Are you crazy? You're भाई मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि विक्टन ड्रग्स के बिजनेस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और विक्टर इसको फिर से मना कर रहा है कि भाई अब भी इस लो रहो थोड़ा थोड़ा चुप के रहो क्योंकि हम लोगों ने मार्टीनज को मारा है तो हर कोई हमारे पीछे ही होगा लेकिन फिर भी भाई लेंस वैंस बोल रहा है कि मैं ट्वेंटी कीज फिर भी मेरे हाथ में ट्वेंटी की से मारा कि वो क्लैंग लैंग्वेज में बोल रहा है फिर भी वो ड्रग्स का बिज़नेस ज़रूर करेगा तो गाइज ये था एंड बी का आई होप आप लोगों को ये गेम प्ले सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी अच्छी लगी तो सारी वीडियो को जाके एक एक लाइक मार दो वीडियो को शायद ज़्यादा शेयर कर दो सारी वीडियोस को शेयर कर दो प्ले को शेयर कर दो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बेल आइकन ज़रूर दबा देना और कॉमेंट्स में अपने फेवरेट गेम्स के नाम जरूर बता देना और फेवरेट कैरेक्टर का नाम और फनी कैरेक्टर और एक्शन कैरेक्टर का नाम भी डी टी एम ज़रूर बता देना तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में तब तक के लिए Tata -ta. bye bye see you later